कैट स्टार माइनिंग ऐप की बात करें तो आप सभी का क्वेश्चन आया था कि भाई इसमें केवाईसी चालू हो गई है, केवाईसी के बारे में बताइए। तो इसके बारे में पूरा अपडेट आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, और जो केवाईसी का आपका क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे, एक दिन पहले ही इनके द्वारा यहाँ पे अपडेट दिया गया था, इसमें कहा गया था कि गुड न्यूज, यू कैन अपग्रेड टू कैट स्टार, यानी एप्लीकेशन को अपग्रेड कर दिया गया है और जो इसका वर्जन था उसको बढ़ा दिया गया है, उसमें कुछ नए फंक्शंस ऐड कर दिए गए हैं। ऐड ए नोड रैंकिंग, यानी नोड रैंकिंग का फंक्शन आ गया है। ऐड ए न्यू केवाईसी सर्टिफिकेशन राइट पेज, यानी केवाईसी सर्टिफिकेशन का यहाँ पे पेज ऐड कर दिया गया है। ऐड ए फंक्शन फॉर मॉडिफाइंग द नोड एरिया, ऐड ए कलेक्शन डिस्प्ले फंक्शन, ऐड मेटावर्स इंट्रोडक्शन पेज अपग्रेड एड्रेस, यानी जो मेटावर्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे उनको बढ़ा दिया गया है। और केवाईसी का क्या अपडेट है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। सबसे पहले तो हम चलते हैं प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे चलने के बाद आपको बताते हैं यहाँ पे करना क्या है। एक फ्री माइनिंग एप्लीकेशन है, इसके बारे में पहले ही हमने आपको अपडेट दिया था, और कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ये एप्लीकेशन स्कैम हो सकता है आगे। तो अभी देखिए, अभी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 5.5 लाख से ऊपर इनके डाउनलोडर्स हैं और एक्टिव यूजर्स काफी संख्या में। अभी की अगर आप बात करते हैं तो 7 जनवरी को एप्लीकेशन का लेटेस्ट अपडेट आया है, और इसमें बताया गया है न्यू नोड लीडरबोर्ड, ऐड केवाईसी सर्टिफिकेशन पेज, और ऐड ए फंक्शन फॉर मॉडिफाई नोड एरिया। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन ओपन करते हैं यहाँ से। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होती है और होम पे आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद में करना क्या है, सबसे पहले तो एक प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिया जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा, ये वाला। जैसे ही आप इस फंक्शंस पे जाते हैं प्रोफाइल वाले पे, तो यहाँ पे ऊपर ही आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, वॉलेट, माई सुपर नोट, टीम, इनवाइट, केवाईसी सर्टिफिकेशन। तो केवाईसी सर्टिफिकेशंस का जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि ये स्कैम हो सकता है, तो देखिए अभी तक मैंने जहाँ पे इस पर रिसर्च किया, क्योंकि इसमें ऐड ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते हैं, और ऐड जैसे एप्लीकेशंस में आते हैं उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको ऐड से रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। तो जैसे ही हम केवाईसी सर्टिफिकेशन से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर ही आपको यहाँ पे लिखा मिलता है कंप्लीट ऑथेंटिकेशन एंड एन्जॉय मोर बेनिफिट्स। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स हैं अगर आप केवाईसी कर लेते हैं, ये वाले आप देख सकते हैं। कैट ट्रांजेक्शन, यानी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे कॉइन के थ्रू। एनएफटी ट्रांजेक्शन, आप एनएफटी सेंड रिसीव कर पाएंगे। और यहाँ पे 6 डिग्री स्पेस, यानी कुछ जो भी ये फंक्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सुपर नोड हो गया, डिंग हो गई, और आइडेंटिफिकेशन, आपका ये एप्लीकेशन एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। अब अगर आप केवाईसी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे ये ऑप्शन आपका आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने जहां तक अभी इस पे रिसर्च किया है तो ये बता रहा है कि कमिंग सून, यानी और कुछ टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, अभी केवाईसी नहीं हो रही है। ये यहाँ पे बताया गया है ओनली केवाईसी फंक्शन ऐड किया गया है, लेकिन केवाईसी हो नहीं रही है। जैसे ही होम पे आप रिवर्स आ जाते हैं एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेटावर्स का ऑप्शन आपको बताया गया था वो आपको देखने को मिलेगा, मेटावर्स वाला। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मेटावर्स के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटावर्स क्या है और उसके बारे में जो भी इनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो बताए गए हैं। लेकिन नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कमिंग सून का, यानी अभी ये नहीं आया है, आगे ये देखने को मिल सकता है। तो अभी की जो भी फंक्शंस ऐड किए गए हैं ओनली उनको इनेबल नहीं किया गया है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब आपको एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि एनएफटी भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो हाँ, एनएफटी बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप एनएफटी बाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको एक नीचे ऑप्शन दिया जाता है एनएफटी वाला, अगर आप एनएफटी बॉक्सेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता रहता है ये कमिंग सून वाला, कमिंग सून, ये वाला ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है, यानी कुछ टाइम में ये इनेबल होगा। और आप देखेंगे जो ये यहाँ पे ये वाला नंबर लिख करके आ रहा है, इसको काफी कम किया जाएगा, इतना ये नंबर यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस चीज को आप बेफिक्र रहिए, आगे जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन में आएंगे कुछ ऑप्शन आपको और देखने को मिलते हैं, ये वाले आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे विनर वगैरह बताए जाते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसमें आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे वोटिंग राइट्स हैं, और
आप देखेंगे वीकली बोनस हो गया, मंथली सैलरी हो गई, ये सारे कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पे जाकर के आप देखेंगे जो भी लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है कि इन्होंने इतने कॉइन यहाँ पे अर्न किए गए हैं, इन्होंने इतने कॉइन, और USDT के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो यहाँ से तो हम चलेंगे बाहर, और अभी तक का जो फिलहाल यही अपडेट है कि KYC का ऑप्शन यहाँ पे जोड़ दिया गया है, लेकिन KYC यहाँ पे इनेबल नहीं हुई है, यानी KYC के लिए डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो आगे अगर आपका इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होता है तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आप सभी को न्यू और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।